वेलकम टू श्रीजी फूड। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि दीवार पर जो दाग धब्बे होते हैं उसे आप आसानी से किस तरह से हटा सकते हैं। दीवार पे बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं जिन्हें हटाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आज मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे हमारे दीवार के दाग धब्बे एकदम आसानी से हट जाएंगे। तो चलिए उसे किस तरह से साफ करना है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी मैं जो आपको दीवार दिखा रही हूँ उसके ऊपर इस तरह से दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो इसे साफ करने के लिए हमें चाहिए कोई भी जेल बेस्ड टूथपेस्ट। अभी मैं क्लोजअप ले रही हूँ, आप चाहे तो कोलगेट या पेप्सोडेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जेल बेस्ड होना चाहिए। दीवार को इस तरह से पहले ड्राई कपड़े से आप साफ कर ले, इस तरह से आप पोंछ भी सकते हैं। इसके ऊपर कचरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा इसे साफ करने में। अब क्लोजअप को हम एक गीले स्पंज के ऊपर लगा देंगे, स्पंज को थोड़ा गीला कर लेना है। अब जहां पे भी दाग धब्बे है वहां आप स्पंज की मदद से इस तरह से क्लोजअप या जो भी टूथपेस्ट आपने लिया है वो लगाते जाए। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड में ये दाग निकलने लगा है। मैंने इसमें कोई भी मेहनत नहीं की और आसानी से ये दाग निकल गया है। सेम उसी तरह से थोड़ी सी क्लोजअप मैंने लेके बाजू वाले दाग पे मैंने लगा दिया है। जब भी जरूरत पड़े स्पंज को गीला करते जाए। स्पंज ड्राई हो जाएगा तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए स्पंज को थोड़ा गीला रखे और स्पंज की मदद से जहां पे भी दाग धब्बे है उसे आप पोंछ ले। स्पंज से पोंछने के बाद अब एक कॉटन का नैपकिन या कोई भी कॉटन का कपड़ा ले ले, उसे गीला कर ले। अब गीले नैपकिन से मैं दीवार पोंछ लेती हूँ। ये प्रोसेस दो बार करना है। अब एक ड्राई नैपकिन ले लेंगे और दीवार को पोंछ लेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं दीवार पे जो भी दाग धब्बे थे वो आसानी से निकल गए हैं और दीवार हमारी एकदम साफ हो चुकी है। तो अब मैं दूसरा हिस्सा आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे दाग धब्बे हैं, तो सेम उसी तरह से हम दीवार को पहले ड्राई कपड़े से पोंछ लेते हैं। अब गीले स्पंज के ऊपर थोड़ा क्लोजअप लगा दे, इस तरह से आप इसे रब कर दे दीवार के ऊपर। आप जैसे ही क्लोजअप स्पंज के जरिए लगाते जाओगे दीवार पर आसानी से दाग निकलने लगेंगे। अब स्पंज को मैंने गीला कर लिया है और गीले स्पंज से हमें दीवार को पोंछते जाना है। अब गीले नैपकिन से भी दीवार को पोंछ लेंगे, ड्राई नैपकिन से इसे पोंछ ले। ये दीवार थोड़ी ज्यादा गंदी थी तो अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े दाग धब्बे अभी भी है, तो सेम वही प्रोसेस मैं दूसरी बार करूंगी ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी दाग धब्बे ना रहे। जहां पे भी आपको दाग धब्बे लगते हैं आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और बाकी की दीवार आप सिर्फ पानी से पोंछ के फिर ड्राई कपड़े से पोंछ ले तो आपकी सारी दीवार एकदम नए जैसी हो जाएगी। अब गीले नैपकिन से दीवार को पोंछ लेते हैं। लास्ट में ड्राई नैपकिन से दीवार को पोंछ लेना है। तो आप देख सकते हैं जो भी दाग धब्बे थे वो बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। अब कहीं घर में आपने इस तरह की डिजाइन या टेक्सचर करवाया हुआ है तो उसे आप गीले कपड़े से साफ कर ले। पूरी दीवार को आपको इस तरह से गीले कपड़े से साफ कर लेना है, और गीले कपड़े से साफ होने के बाद आप एक साफ नैपकिन ले ले जो ड्राई हो, और ड्राई नैपकिन की मदद से आपको दीवार को पोंछ लेना है। तो ये वाली दीवार भी साफ हो जाएगी। तो आप इस तरह से आसानी से दाग निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।